दूल्हा और दुल्हन का कमरा रंगों, रोशनियों और फूलों से सजा महक रहा था। ताज़ा पेंट शुदा दीवारें और ब्राउन रंग के नए फर्नीचर ने सज धज में चार चांद लगा दिए थे। बेड के चारों अतराफ आरायशी लड़ियां झूल रही थीं और बेड क्राउन के ऐन ऊपर दीवार पर फूलों की पत्तियों से बड़ा बड़ा शादी मुबारक लिखा था। बेड पर बनफशी रंग की मखमली बेडशीट बिछी थी और उसके दाहिनी तरफ सफेद कुर्ता शलवार में मलबूस दूल्हा राजा निखरा सुथरा मगर कुछ थका हारा सा गाओ तकिए से टेक लगाए नीम दराज था। आज उसकी शादी खानाबाद को तीसरा दिन था और अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी दुल्हन रिवाज के मुताबिक अपने बहन भाइयों और कजन्स के हुजूम के हमरा मैके से धारी थी। शादी के हंगामों और भागम दौड़ी में वो थक कर निढाल हो चुका था। कमर अलग तख्ता बनी हुई थी। अब ये दो घड़ी फुर्सत नसीब हुई थी तो वो बेड पर ढहसा गया था। एयर कूलर की ठंडी हवा के झोंके लोरी का काम दे रहे थे। आंखें आपो आप बंद हुए जा रही थीं। इससे पहले कि वो गहरी नींद में जाता अम्मा ने कमरे में कदम रंजा फरमाया। अरे राजा सो गए क्या? उनकी पाटदार आवाज गूंजी। नहीं अम्मा, उसने आंखें मूंदे ही जवाब दिया और जरा सा परे से रखकर उनके बैठने के लिए जगह बनाई। सुनो राजा, मैं ये कहने आई थी कि जब तुम शाम को दुल्हन के मैके जाओगे ना, उसे लेने के वास्ते, तो खाली हाथ मत चले जाना। 5 किलो मिठाई की टोकरी बनवा लेना और आते हुए सालियों को भी कुछ ना कुछ दे कर आना। है क्या अम्मा? अम्मा के इर्शादात पर उसकी आंखें पट से खुल गईं और दिल ने सदमे से एक गोता खाया। अम्मा, बारात के दिन इतना बड़ा टोकरा मिठाई का गया था और फिर सालियों को भी ढेरों रुपए थमाए थे। उसका इशारा दूध पिलाई की तगड़ी सी रकम की जानिब था। ओ हो राजा, एक तो तुम बहुत भोले हो बेटा, वो तो थी बारात की रस्में, आज तो दुल्हन मुकलावे गई है और तू पहली बार उसे लेने जा रहा है। और हमारे खानदानी रस्मों रिवाज के मुताबिक दामाद मिठाई भी लेकर जाता है और सालियों के हाथ पर भी कुछ ना कुछ धर कर आता है। अम्मा ने रसान से उसे समझाया तो उसके मुंह से एक करहा निकल गई। हाय, खानदानी रस्मों रिवाज और उनके तहत होने वाले खर्चे। अब जो शादी के बाद 4 पैसे जेब में बचे थे, लगता था उनका भी कला कमा हो कर रहेगा। उसने एक ठंडी आ भरी। अम्मा तो हिदायत देकर कमरे से निकल गईं, जबकि वो गो मगो की कैफियत में बैठा रह गया। राजा की शादी घर की आखिरी शादी थी, इसलिए घर वालों और बाहर वालों सभी ने जी भर के दिल के अरमान निकाले थे। इस महंगाई के दौर में अरमान कौन सा मुफ्त निकलते हैं? ढेरों रुपए खर्च होते हैं जो कि राजा गरीब की जेब से ही निकलवाए गए थे। यूं तो 6 बहन भाइयों में उसका नंबर फकत तीसरा था, मगर शादी सबसे आखिर में हो रही थी। उसका भी एक पसे मंजर था। सबसे बड़े अख्तर भाई थे, अम्मा अब्बा के पहलोटी के बेटे, इंतहाई लाडले। अभी ग्रेजुएशन ही किया था कि अम्मा अब्बा को उनके सेरे के फूल खिलाने का अरमान जाग उठा। फिर क्या था, नौकरी भी लगने का इंतजार ना किया और झटपट चांद से दुल्हन ब्याह लाए। घर में उस वक्त रुपए पैसे की कोई तंगी ना थी। अब्बा की बहुत अच्छी नौकरी थी, जरई अराजी का ठेका भी आता था। यूं अम्मा अब्बा ने उनकी दुल्हन हत्ता के उनके 2 बच्चों का भी बोझ खुशी खुशी उठाया। मगर वो खुशी तो उस वक्त उड़न छू हुई जब भैया नौकरी लगते ही बीवी बच्चे समेट कर हमेशा हमेशा के लिए ससुराल को प्यारे हो गए। उनकी तोता चश्मी और खुदगर्जी का सारा खमियाजा राजा गरीब को भुगतना पड़ा। अम्मा ने अलल ऐलान कह दिया, खबरदार घर में कोई भी राजा की शादी का नाम नहीं लेगा जब तक कि चारों लड़कियां ठिकाने ना लग जाएंगी।
और ये खुद अपने पांव पर खड़ा होकर अपनी शादी के तमाम तर अखराजात खुद उठाने जोगा ना हो जाएगा। इस ऐलान ने राजा के दिल की दुनिया तहोबाला कर दी, क्योंकि उस वक्त तो वो भैया की खाला सास की मंझली लड़की रानी से इश्क फरमा चुका था। इसलिए तो उनके ससुराल आने बहाने इतने चक्कर लगते थे। उसकी अम्मा सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी रहीं। फिर उसके बाद अम्मा अब्बा ने सुकून से चारों को निमटाया। उसकी भी एक छोटी मोटी सी नौकरी लग गई। उसने बहनों के जरिए दबाव डलवाकर किसी ना किसी तरह रानी से मंगनी तो करवाई, मगर अम्मा शादी से हनूज इनकारी थी। चुपचाप पैसे जमा कर, हमसे कोई उम्मीद ना रखना, हम तो खुद चारों लड़कियों को ब्याह कर खाली हुए बैठे हैं। लड़की वालों की तरफ से दबा दबा से शादी का मुतालबा भी किया गया तो अम्मा ने बगैर लिहाजो मुरव्वत के जता दिया, हमारे लड़के की अभी इतनी हैसियत नहीं है, इंतजार हो सकता है तो करो, वरना अपनी लड़की के लिए कोई और बर तलाश कर लो। अम्मा के इस संगे दिलाना बयान पर जहां उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, वहां रानी ने तभी खम ठोक कर अपने घर वालों से कह दिया, अगर राजा के अलावा मेरे लिए कोई और बर ढूंढा गया तो मैं गंदम में रखने वाली गोलियां फांक लूंगी। यानी आग तो दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी, बस नसीब ही ठंडे थे। उसकी नौकरी मामूली थी तो तनख्वाह भी कलील थी। ब्याही बहनों का घर था, कभी किसी का चिल्ला और कभी किसी के बच्चे का अकीका देना दिलाना तो पड़ता था। अम्मा अब्बा की अपनी हालत पतली थी, अब्बा रिटायर हो चुके थे और जरई अराजी भी ताए और चाचा में तकसीम होकर मुख्तसर सी उनके हिस्से में आई थी। बहरहाल वो बचत करने में जुटा रहा। चंद साल और सिरक गए, मगर जब अम्मा ने शादी का नाम तक ना लिया तो एक दिन उसने खुद ही बेशरम होकर कहा, अम्मा वो मेरी शादी। क्या कहा, शादी? अम्मा ने खशमगीन नजरों से घूरा। हाँ अम्मा, मेरा ख्याल है अब तो काफी रकम जमा हो गई है। उसने थूक निकला। अरे जितने पैसे तू संभाल कर इतरा रहा है ना, तो इतने में बामुश्किल बरी के कपड़े लते ही आ पाएंगे। जेवर कहां से बनवाऊंगी, अपने वाला तो सारा मैं बहू और बेटियों को चढ़ा चुकी हूं। अम्मा ने एक और दिलखराश इनकशाफ किया। अम्मा गोल्ड के जेवरात कोई जरूरी तो नहीं है, आजकल बाजार में एक से बढ़कर एक मसनोई जेवरात दस्तयाब हैं, बिल्कुल असली का गुमान होता है। एक तो सेट वही खरीद लेंगे। अपने तई उसने झट मुश्किल का हल बता दिया, मगर अम्मा तो उछल पड़ी। कम बखत बावला हो गया है क्या, इस उम्र में मेरे सर में शरीकों के सामने सुआर डलवाएगा क्या, नेके की शादी का माजरा भूल गए क्या, उसकी मां भी मसनोई जेवरात पर सोने का पानी चढ़ा कर ले गई थी, दुल्हन की ताई और बच्चों ने झट भांप लिया, मां बेटे की कैसी दुर्गत बनाई थी, दुल्हन वाले तो बारात वापस करने पर तुल गए थे, बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों ने बीच में पड़कर मामला ठंडा कराया था, यूं उसकी शादी मजीद लटक गई। अब तो यार दोस्त भी मजाक उड़ाने लगे थे, यार जब तुम्हारी शादी होगी ना तो बच्चे बारात के दिन दूल्हा राजा आ गया, दूल्हा राजा आ गया की बजाय कहेंगे दूल्हा बाबा आ गया, दूल्हा बाबा आ गया। वो अपनी जगह पर खिसिया कर रह जाता। आखिरकार कुदरत को उस पर तरस आ ही गया। उसे फैसलाबाद की एक टेक्सटाइल मिल में अच्छी नौकरी मिल गई। तनख्वाह भी माकूल थी, यूं बचत मुहिम तेज हो गई और वो एक दो साल में जेवरात बनवाने में भी कामयाब हो गया और उसकी शादी की तारीख ठहरा दी गई। राजा और रानी की शादी खूब धूमधाम से हुई। दोनों पर रज के रूप चढ़ा। दोनों ही ने हिजर की तवील रात काटी थी और अब मिलन का खूबसूरत सवेरा उनका मुंतजर था। लगन सच्ची हो तो मंजिल मिल ही जाती है। राजा को बामुश्किल दो हफ्तों की छुट्टी मिली थी। हर रोज ही वो दोनों किसी खाला, मामी, चाची या फूफी के यहाँ मधु होते।
या फिर नए नवेले जोड़े से खानदान भर में से कोई ना कोई मिलने आया रहता। ऐसे ही मसरूफ से शबो रोज में इतनी फुर्सत ही नहीं मिल रही थी कि फसाना ए दिल एक दूजे को सुनाया जाता। राजा तो अपने एक शायर दोस्त से डायरी पर ढेरों अशार लिखवा कर लाया था कि रानी को शेर व शायरी से बहुत शगफ था, मगर एक तो ब्याही बहनों और उनके बच्चों के शोर शराबे में सकून ही मुयसर नहीं आ रहा था। दूसरा वो डायरी कम बखत भी सामान में ना जाने कहाँ खो गई थी। छुट्टियों के गिने चुने दिन तेजी से सिरक रहे थे, मगर इस बार राजा के बेकरार दिल को कुछ तसल्ली सी थी, क्योंकि वापसी पर रानी भी उसके हमराह जा रही थी। शादी से पहले ही घर वालों के बाहमी मशवरे से ये बात तय पा चुकी थी कि वो जाते हुए रानी को भी साथ ले जाएगा। इस तरह एक तो नया जोड़ा वहां हनीमून भी मना लेगा और फिर राजा को रोटी पानी का जो मसला होता है वो भी निमट जाएगा। इसलिए आते हुए वो किराए के एक छोटे से घर का बंदोबस्त करके आया था। थोड़ी बहुत प्लानिंग उसने वहीं कर ली थी कि वो रानी को झंग बाजार की सैर कराएगा। हलवा पूरी और नान चने खाने वो भुआना बाजार या फिर कचहरी बाजार की तरफ निकल जाया करेंगे। वो रानी को घंटा घर भी दिखाएगा, यहाँ के मशहूर दही भल्ले और चना चाट भी खाया करेंगे। मगर वाय अफसोस, अभी कुदरत को उनकी मजीद आजमाइश मतलूब थी। रात निस्फ से ज्यादा बीत चुकी थी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने पहलू में लेटी अपनी नई नवेली दुल्हन को देखा, जिसके सभी ही चेहरे पर सुकून ही सुकून था। उसे रश्क सा आया, काश उसकी भी तमाम तर परेशानियां हवा में कहीं तहलील हो जाएं, जिनकी उसने उसे अभी तक भिनक भी नहीं पड़ने दी थी। ये फैसलाबाद से आते हुए अच्छी खासी रकम हमरा लाया था। उसकी दरख्वास्त पर ऑफिस वालों ने उसे एडवांस भी दिया था। एहतियातन वो कुछ दोस्तों से उधार भी पकड़ लाया था, मगर शादी के मौके पर रस्म और रिवाज के नाम पर उसे इतना लूटा गया था कि शादी जैसी अनमोल नेमत भी फीकी फीकी से लगने लगी थी। फिर वलीमे के बाद इतने बिल देने पड़े थे, मेहंदी पर हार, फूलों का बिल, लाइटिंग का बिल, क्रॉकरी का बिल, केटरिंग का बिल, वलीमे के खाने का बिल, बिल ही बिल देते हुए वो बिल बिला उठा था। अख्तर भाई ने तो झूठे मुंह भी चंद रुपयों की ऑफर ना की थी। अम्मा बा ने अलबत्ता एक छोटी सी रकम जरूर थमाई थी। अब जाने का वक्त आ गया था और हाल ये था कि उसकी जेब में अपने जाने का किराया तक ना बचा था। इसलिए रानी को हमरा ले जाने वाला प्रोग्राम साफ खटाई में पड़ता नजर आ रहा था। सोच सोच कर उसके सर में दर्द हो रहा था। उसने सर दर्द की गोली तलाश करने के लिए बेड की दराज खींची। अंदर रानी का गोल्डन पर्स जगमगा रहा था। पर्स काफी फूला फूला सा दिख रहा था, यकीनन उसमें सलामी के पैसे थे। एकदम से उसके जहन में एक हल्का सा ख्याल आया, फिर उसने फौरन ही उसे झटक दिया। अब क्या वो अपनी नई नवेली बीवी से उधार मांगता अच्छा लगेगा? सुबह सवेरे का वक्त था, वो किचन में दाखिल हुआ तो अम्मा आटा गूंद रही थी। वो एक मूढ़ा घसीट कर उनके सामने बैठ गया। अम्मा, परसों में वापस जा रहा हूं। हैं? इतनी जल्दी तुम्हारी छुट्टी खत्म हो भी गई? अच्छा तो फिर दुल्हन से कहो वो तुम्हारा और अपना जरूरी सामान पैक कर ले। अम्मा ने गूंधा हुआ आटा एक प्याले में निकालते हुए कहा। अम्मा, रानी मेरे साथ नहीं जा रही, वो यहीं रहेगी, वो कुछ पस्त आवाज में बोला। हैं? मगर क्यों? तुम तो वहां घर का इंतजाम करके आए थे ना? अम्मा का लहजा इस्तेफामिया हुआ। हाँ अम्मा, मगर खाली खूली घर से क्या होता है, और भी बहुत कुछ चाहिए होता है, साजो सामान वगैरह। हाँ तो तुम्हारी दुल्हन जो ट्रक भर के जहेज लाई है वो क्या मैंने इस्तेमाल करना है? ना भाई ना, मैं उन सासों में से नहीं हूं जो बहुओं के दाज जहेज पर नजर रखती हैं। मेरा तो अपना ढेरों सामान स्टोर में पड़ा है। तुम एक सूटकेस लेकर दुल्हन के हमरा रवाना हो जाओ,
मैं अख्तर से कहूंगी वो सामान का ट्रक लोड करवा कर पीछे भिजवा देगा। हाँ, ट्रक वाला जैसे मुफ्त ले जाएगा, वो जल कर बोला। अम्मा, आप समझती नहीं हैं, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। बीवी का खर्चा कहाँ से करूँगा? खुद तो रेहड़ी से लेकर एक सूखा नान भी खाकर गुजारा कर लूँगा। वो झुंझला उठा। हाय मेरे लाल। अम्मा तड़प उठी। मेरे पल्ले भी कुछ नहीं है जो तुम्हें दे दूँ। थोड़े दिनों तक वो छोटी वाली भी चिल्ले के लिए दोबारा आ जाएगी। मस्कत वाली भी मियाँ और बच्चों के हमरा अभी महीना भर इधर ही रहेगी। अगले महीने शायद जाए। अम्मा के अपने दुखड़े थे, मगर मेरे चांद, लड़की वालों को तो यही बताया था कि दुल्हन साथ जाएगी, वो क्या सोचेंगे? अम्मा को एक और नुक्ता सूझा। अम्मा वो जो मर्जी सोचें, मगर फिलहाल मैं रानी को 6-7 माह तक वहां नहीं ले जा सकता। एडवांस तनख्वाह मैं खर्च कर चुका हूं, दोस्तों का उधार चुकाना है, मकान का किराया भी अभी वाजिबुल अदा है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे बाद रानी का ख्याल रखना, उसने कहा और तेजी से बाहर निकल गया। बिछड़ते समय दोनों उदास और दिल गिरफ्तार थे। रानी के लब खामोश और आंखें भरी हुई थीं, मगर उन आंखों में ठहरे तमाम आंसू राजा को अपने दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। वो अपनी मजबूरियों की दास्तान उसे सुना चुका था, जो उसने बड़े सब्र से बगैर किसी गीले शिकवे के सुन ली थी, और साथ ही सलामी के पैसों की ऑफर भी की थी। मगर एक तो उसके ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि वो बीवी को तोहफे में मिलने वाली रकम हथिया ले, दूसरे इतने थोड़े पैसों से कुछ भी होने वाला ना था। उसने पैसे दोबारा उसकी मुट्ठी में दबाकर उसके दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में लिया। तवील जुदाई के बाद मोहब्बत का एक जायज रिश्ता मिला भी तो साथ नसीब ना हो रहा था। वो बड़े भारी दिल के साथ फैसलाबाद के लिए रवाना हो गया। मुंह अंधेरे ही वो फैसलाबाद पहुंच गया। अपनी मोटरसाइकिल वो बस टर्मिनल के स्टैंड पर ही खड़ी करके आया था। वहां से निकलवा कर वो उस पर सवार होकर घर जा पहुंचा। ये एक डबल स्टोरी मकान था, जिसका ऊपर वाला पोर्शन उसने किराए पर शादी से चंद रोज कबल ही लिया था। मालिक मकान का नाम फयाज था, जिनसे वो अपने एक दोस्त के तवस्सुत से मिला था। फयाज साहब नहायत शरीफुल नफ्स और नेक फितरत इंसान थे। वो अपनी बीवी के हमरा निचले पोर्शन में रिहायश पजीर थे। उनकी अपनी भी गवर्नमेंट जॉब थी, मगर चंद साल कबल शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों ने उन्हें ऐसा घेरा कि रिटायरमेंट लेनी पड़ी। पेंशन की रकम से उन्होंने ऊपर वाला पोर्शन बनवा लिया था, ताकि इजाफी आमदनी का आसरा रहे। मेन गेट की चाबी उसके पास थी। उसने गेट खोलकर एहतियात से मोटरसाइकिल को अंदर घसीटा, ताकि घर वाले बेआराम ना हों, और फिर दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर अपने पोर्शन तक आ गया। दरवाजा खोला तो खाली घर देखकर दिल में हूक सी उठी। उसने क्या क्या सोचा था कि रानी का हाथ थामकर घर में दाखिल होगा, फिर दोनों मिलकर घर का चूल्हा जलाएंगे, सजाएंगे, सवारेंगे। मगर उसने बेदिली से सफरी बैग एक तरफ उछाला और खुद नीचे बिछी चटाई पर ढेर हो गया। वो दिन चढ़े तक सोता रहा, फिर ठक ठक की आवाज से उसकी आंख खुली। दरवाजा खोला तो सीढ़ियों के पास फयाज भाई खड़े अपनी छड़ी की नोक से रेलिंग बजा रहे थे। वो दो दो स्टेप फैलांगता हुआ उन तक पहुंचा। अरे शहजादे, आ गया तू? वो गर्म जोशी से उससे लिपट गए। शादी मुबारक हो भाई, बहुत बहुत। ना तुमने आने की इतला क्यों ना दी? वो तो अभी तुम्हारी मोटरसाइकिल गैराज में खड़ी देखी तो मालूम हुआ कि दूल्हा साहब तशरीफ ला चुके हैं। उन्होंने उसे गले लगाए ही कहा। अपने जोशो खरोश में वो उसका बुझा बुझा सा अंदाज नोट ना कर सके। चलो भाई बरखुरदार, ऐसा है कि तुम और दुल्हन तैयार होकर नीचे आ जाओ, तुम्हारी भाभी नाश्ता बना रही हैं, मिलकर करते हैं। वो जाते हुए उन्हें बताकर गया था कि वापसी पर दुल्हन उसके हमरा आएगी। वो, फयाज भाई, मैं अकेला ही आया हूँ, दुल्हन नहीं आई। उसने कुछ
झिझक कर बताया, वो क्यों भाई, तुम्हारा तो यही प्रोग्राम था। मैंने तो पानी वाली टैंकी भी भरवा दी थी। उनकी नजरें सवालिया हुई। वो बस भाई, वहां जाकर हालात कुछ ऐसा रुख इख्तियार कर गए थे कि दुल्हन को साथ लाना मुमकिन ना रहा था। उसका लहजा पस्त था, मगर चेहरे पर मजबूरियों की दास्तान रकम थी। मजीद कुछ कहना ना पड़ा। फयाज साहब की जहां दीदा निगाहों ने सब कुछ पढ़ लिया। अच्छा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। उन्होंने उसके कंधे पर तसल्ली भरी थपकी दी। तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हारा और अपना नाश्ता ड्राइंग रूम में लेकर आता हूँ। नहीं भाई, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने रास्ते में चाय पी ली थी। क्यों, क्या खाली चाय पर गुजारा करोगे? उन्होंने शफकत से डपटा तो वो उनके खुलूस पर शर्मिंदा सा हो गया। फिर वो आते ही गधों की तरह काम में जुट गया। उसने फैक्ट्री में सुबह और शाम दोनों शिफ्टों में ड्यूटी लगवा ली। रात गए घर लौटता तो थका मांदा बिस्तर पर गिरते ही बेखबर हो जाता। दो घड़ी फुर्सत नसीब होती तो मोबाइल पर रानी से बात भी हो जाती। गांव में अक्सर सिग्नल का मसला ही रहता था, ठीक से बात ही ना हो पाती, आवाज कट जाती। वो बेदिली से फोन एक तरफ फेंक देता। उस दिन जुमा था, उसका एक भी कपड़ा धुला हुआ नहीं था। पहले तो धोबी को दे देता था, मगर अब बचत के ख्याल से उसने खुद धोने का सोचा। कपड़े धोकर वो अलगनी पर फैला रहा था जब उसे सीढ़ियों पर कदमों की चाप सुनाई दी और फिर खांसी की जोरदार आवाज। फयाज भाई बामुश्किल सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहे थे, एक हाथ में ढकी हुई प्लेट थाम रखी थी। ये लो राजा, तुम्हारी भाभी ने आज बिरयानी बनाई थी। फूली हुई सांसों के साथ उन्होंने मुश्किल से ही जुमला मुकम्मल किया। ओहो फयाज भाई, आपने खुद क्यों सहमत की, मुझे आवाज दे देते। राजा ने जल्दी से आगे बढ़कर प्लेट उनके हाथों से पकड़ी और उन्हें सहारा देकर चारपाई पर बिठाया। तुम घर में होते कब हो, सारा सारा दिन गायब रहते हो, रात को भी ना जाने किस पहर आते हो। ये तो आज ऊपर से खटर फटर की आवाजें आ रही थीं, तो मैंने सोचा कि तुम्हें खाना दे आता हूँ, इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। मगर ये चार सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बुरा असर हो गया। उनकी सांसें कुछ हमवार हुईं तो वो राजा को कुछ खफकी से देखते हुए गोया हुए। घर कितना सूना सूना सा लग रहा है, हमने तो सोचा था कि दुल्हन आएगी तो कोई रौनक शौनक हो जाएगी, मगर तुम तो जैसे लंडूरे गए थे वैसे लंडूरे आए। वो जवाब में फकत फीकेपन से मुस्कुरा कर रह गया। राजा, मैं तो कहता हूं कि कल हफ्ता है और परसों इतवार, एक छुट्टी ले लो और निकल जाओ गांव के लिए, दुल्हन को लेकर आ जाओ। मगर फयाज भाई, इतनी जल्दी तो ये कतई मुमकिन नहीं, आप मेरी मुश्किलात से आगाह तो हैं। वो उनके झटपट प्रोग्राम पर मखमूम सा होकर बोला, तुम्हारी मुश्किलात का कुछ हल तो ढूंढा है मैंने। ये कहकर उन्होंने अपने कुर्ते की जेब से एक खाली रंग का फूला सा लिफाफा निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने तो उसे दिन ठेकेदार से कहा था कि रकम दे जाए, मगर उस नाहनजार ने भी आनाकानी करते करते इतने दिन गुजार दिए, आज ही देकर गया है। नहीं फयाज भाई, वो करंट खाकर थोड़ा सा पीछे से रख गया, मैं आप पर मजीद बोझ नहीं बन सकता, पहले ही मेरे सर पर आपके बहुत एहसानात हैं, आपने जाते हुए भी तोहफतन कुछ पैसे दिए थे, मेरे हालात की वजह से फिलहाल किराया भी नहीं ले रहे, आप और भाभी तो खुद बीमार रहते हैं, आपको तो खुद जरूरत है। देखो राजा, उन्होंने अपना चश्मा उतारा और उसे रूमाल से साफ करके दोबारा अपनी आंखों पर जमाते हुए पुरसोच अंदाज में बोले, जिन हालात से तुम गुजर रहे हो ना, कमोबेश इस तरह के हालात को मैंने आज से तकरीबन 28 साल पहले भुगता है।
कहानी तुमसे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। चार बहनों का इकलौता भाई था। खाला के यहाँ मंगनी हो चुकी थी। अचानक खालू बीमार पड़ गए, इतने ज्यादा कि लगता था कि फरिश्ता अजल उचक ले जाएगा। ये और बात है कि हमारी शादी के बाद बहुत साल तक वो जिंदा रहे। लड़की वालों की तरफ से शादी के लिए दबाव बढ़ गया। ना चाहते हुए भी अम्मा अबा तैयार हो गए। मैंने बहुत कहा कि सादगी से निकाह करते हैं, मगर इकलौती नरीना औलाद था, सादगी से करते हुए बड़ों की अना आड़े आई थी। जो जमा जथा था सब ही खर्च हो गया। मैं नई नवेली दुल्हन को गांव छोड़कर लौट आया। उम्मीद थी कि साल छह माह में हालात सुधरते ही ले आऊंगा, मगर यहाँ आते ही अच्छी भली नौकरी छूट गई। नई नौकरी लगने और कुछ पांव जमने में ही इतना अरसा लग गया कि दुल्हन को क्या यहाँ ला पाता। खुद ही छह छह माह तक बामुश्किल घर का चक्कर लगता। जब हालात में कुछ बेहतरी आई, चंद साल मजीद आगे सिरक गए थे और वहाँ गांव में हमारी दो छोटी छोटी बच्चियाँ भी यके बाद दीगरे पैदा हो चुकी थीं। मुआशरे लिहाज से थोड़ा और मुस्तहकम होते ही मैं बीवी बच्चों को यहीं ले आया, मगर अब वो पहली सी बात नहीं रही थी। वो अव्वलीन दिनों की मोहब्बत, चाहत, नरम गरम जज्बात, सभी हालात की सितम जरीफी का शिकार होकर बासी बोसीदा हो चुके थे। वैसे भी दो छोटी बच्चों का साथ था। नए नवेले जोड़े की तरह मोटरसाइकिल पर सैरें करते और पार्कों में लोर लोर फिरते अच्छे तो ना लगते थे, और ना ही दिल को सैरो तफरी और हल्ले गुले की चाह रही थी। बीमार बच्चे, किसी को फ्लू, किसी को बुखार, ज़्यादातर डॉक्टरों के पास ही चक्कर लगते थे। फिर हालात बेहतर से बेहतर होते चले गए। मैंने तलाफी की भी काफ़ी कोशिश की। इतने साल इकट्ठे भी रहे, मगर उस नेक बख्त के दिल से उन अवलीन दिनों की जुदाई का कलक ही नहीं जाता था। आने बहाने जताए रहती है, उसका भी कोई कसूर नहीं। हर चीज़ अपने वक्त पर अच्छी लगती है। जिस तरह सूखे होते फूलों से रफ्ता रफ्ता खुशबू कम हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह जज्बात व एहसास को भी बर वक्त पजीराए ना मिले तो वो भी सर्द हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं और उन पर भी ओस पड़ जाती है। फिर इस लिहाज से मर्द और औरत में फ़र्क भी है। औरत के जज्बात कांच से भी नाजुक होते हैं। मर्द तो हालात की मार सहकर भी अपनी जगह खड़ा रहता है, मगर औरत के कोमल एहसास की बेकदरी हो तो वो टूटकर बिखर जाती है। अपने दिल में ऐसे जख्म बना लेती है जिनसे दर्द की टीसें उठती रहती हैं। वो दूर कहीं माजी में खोए खोए से बोल रहे थे और वो होंकपन से मुंह खोले उन्हें देख रहा था। बज़ाहिर सीधे सादे नजर आने वाले फयाज भाई तो औरत की नफ्सियात पर गालिबन पीएचडी किए हुए थे। उनके हर्फ हर्फ से मुत्तफिक होने के बावजूद उसने रकम के लिए हाथ नहीं बढ़ाया तो उन्होंने झुंझलाकर लिफाफा उसकी गोद में डाल दिया। फिलहाल तो ऐसे कोई हंगामी हालात नहीं कि मुझे अभी के अभी इन पैसों की ज़रूरत हो। आइंदा भी अल्लाह ताला रहम फरमाएगा। जब सहूलत हो आहिस्ता आहिस्ता लौटाते रहना। अभी तो तुम दुल्हन को लाने की तैयारी पकड़ो, वो ज़रा डपट कर बोले तो वो उनके खुलूस पर एक बार फिर शर्मिंदा हो गया। उसने उनकी तरफ ममनून नज़रों से देखते हुए सोचा, कौन कहता है कि सिर्फ औरत ही औरत का दुख समझ सकती है, मर्द भी मर्द का दुख समझ लेता है।